जमींदारी विनाश अधिनियम वो कानून आया, उसके अंतर्गत ये हुआ कि भाई जमीनों पर एक ही व्यक्ति का बहुत बड़ा अधिकार न हो और सबको कमाने खाने के लिए अपनी खेती पाती करने के लिए सबको मौका मिलना चाहिए, वो अधिकार आया। उसके बाद धीरे 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 समय बदलता रहा, वक्त वक्त पर अनेक कानून आए, लेकिन जब उत्तराखंड बना और ये हुआ कि मकान बनाने के लिए बाहर के लोगों को भी, जो लोग यहाँ बसना चाहते हैं उनको मकान बनाने के लिए आवश्यक जमीनें वो लोग ले सकें, तो एक सीमित मात्रा में ये हुआ कि भाई चलो ठीक है इतना इनको मकान बनाने के लिए दे दो, अलाउ कर दो। उसके बाद फडणवीस जी की सरकार आई, थोड़ा बहुत उसमें फेरबदल हुआ, लेकिन ये वर्तमान सरकार ने इसको एक तरफा साफ कर दिया कि नहीं नहीं, जिसको जितनी लेनी हो ये तरीके से आप ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जो यहाँ के मूल वासिंदे हैं ये उनके सपनों पर चोट है। हमारे पूर्वजों ने जमीनें रखी जितनी भी रखी, क्योंकि हम तो खैर पहाड़ क्षेत्र से हैं, हमारे पास वैसे ही कम जमीनें होती हैं, लेकिन जितनी भी रखी हम तक संक्रमित की, हम संक्रमणीय अधिकार के भूमिधर हैं और वो संक्रमणीय अधिकार हमारा इसलिए बचा है कि हमारे पूर्वजों ने उसको इधर उधर नहीं किया, तो आज हम, लेकिन अगर हमें सरकार ये अधिकार दे देगी कि तुम इसका संक्रमण किसी को भी कर दो, तो हो सकता है कि एक दिन हमारी आने वाली नस्लें भूमि विहीन हो जाएंगी। इसलिए हम विपक्ष के रूप में सरकार को चेताना चाहते हैं कि आपने जो गलतियां कर दी उन गलतियों को सुधारिए, आपके रहते हुए सुधारिए, अगर नहीं सुधारेंगे तो जनता निश्चित रूप में, हम जनता से वादा करते हैं इन गलतियों को जब हम सत्ता में आएंगे निश्चित रूप में सुधारेंगे और हमारी भविष्य की नस्लों का जो हक है उस हक को सुरक्षित रखने का काम। आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से कवरेज इस महामारी के दौरान की, उससे पहले भी की, लेकिन ये दंभकारी सरकार जो इस प्रदेश में इस समय स्थापित है, इनको इतना दंभ हो चुका है, इनको इतना घमंड हो चुका है कि इनको लगता है कि हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। बहुत ही उचित और इतना आवश्यक था, जरूरी था, उससे भी अच्छा कवरेज आप लोगों ने दिया है। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि भविष्य में भी हम इस उम्मीद के साथ आप लोगों को इस उम्मीद के साथ देखेंगे कि इसी प्रकार की कवरेज आप अपने अपने चैनलों में और समाचार पत्रों में हमें देते रहेंगे।